जयपुर से अहम खबर है। 11 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी का यह प्रदर्शन है। प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन शुरू हुआ। जयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं। जयपुर से अहम खबर, अहम तस्वीरें, जहां प्रदर्शन जारी है 11 सूत्री मांगों को लेकर। एबीवीपी का यह प्रदर्शन जयपुर में चल रहा है। प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन शुरू हुआ। हालांकि बीकानेर की तस्वीर हमने दिखाई, जहां पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की थोड़ी झड़प भी हुई थी, लेकिन जयपुर की तस्वीरें हैं जहां शांतिपूर्ण तरीके से इनका यह प्रदर्शन जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर ही ये प्रदर्शन एबीवीपी द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर इस तरह का प्रदर्शन जारी है। जयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जयपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं, एबीवीपी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन जारी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर ही इनका ये प्रदर्शन है। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर एबीवीपी द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट पर और प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लाखों छात्रों को राजस्थान के कोने कोने से और जयपुर से संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, 11 सूत्री मांगों को लेकर ही पूरे प्रदेश में एबीवीपी का प्रदर्शन जारी है। जयपुर की तस्वीर हम देख सकते हैं, कितनी देर तक उनका ये प्रदर्शन चलेगा, क्या उनकी मांगे हैं, कब तक ज्ञापन सौंपेंगे? देखिए बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तमाम सभी जितने भी प्रदेश के 33 जिलों उनके जिला मुख्यालयों का प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें 11 सूत्री मांगों की अगर बात की जाए तो उसमें महिला अत्याचार सहित तो और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर एबीवीपी का आज विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन अभी फिलहाल अगर जयपुर की बात करें तो जिला कलेक्ट्रेट में बड़ी तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जता रहे। कुछ देर के बाद ही जिला कलेक्टर के नाम है जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा। तो आपको बता दूं, पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जिस प्रकार से प्रदेश में बढ़ रही महिला अत्याचार जो घटनाएं हो रही है उसकी को लेकर कई बार प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया था। उसके बाद आज तमाम 33 जिलों पर जिला मुख्यालयों पर यह प्रदर्शन है एबीवीपी की ओर से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और भारत, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही ना जयपुर में, क्योंकि बीकानेर की तस्वीरें आई थी, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों को झड़प भी हुई थी, जयपुर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखिए कुछ जिलों में इस प्रकार की तस्वीर पुलिस और जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की तीखी नोकझोंक का सामने यहाँ पर करना पड़ा, लेकिन जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस प्रकार की कोई भी तस्वीर, हमने तस्वीर भी आपको दिखाई, हालांकि अभी तक कोई तस्वीर ऐसी है दिखी नहीं है कि पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच किसी प्रकार की हल्की झड़प यहाँ पर नोकझोंक देखी जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।